हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खेम कुमार। तो आज हमारे सामने मौजूद है होंडई की वेन्यू, और वेन्यू राहुल भाई हमारे साथ। राहुल भाई, कौन सा मॉडल है गाड़ी का एक बार भाई? 2021 का मॉडल है राहुल भाई है। कौन सा मॉडल है भाई? फरवरी का मॉडल। कितनी चला दी गाड़ी अभी तक आपने? 26,000। तो इसमें CNG लगवाई हुई कंपनी फिटेड है या फिर बाहर से लगवाई थी? 5,000 रुपये। तो अब चला दी 26,000, मतलब 20,000 का CNG चला दिया आपने। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक 20,000 किलोमीटर का? मतलब ऐसा रहता है भाई, आउटफिटेड CNG होती है तो कोई दिक्कत आती है CNG को लेके, या बार बार कोई प्रॉब्लम? तो वैसे तो ये दबती तो होगी नहीं पर बड़ा। तो ये टर्बो इंजन के अंदर है या नॉर्मल है? नॉर्मल के अंदर। तो अच्छा सर, नॉर्मल इंजन है। तो बाकी भाई, आपने CNG लगाई थी तो क्या कॉस्ट आई थी CNG के अंदर गाड़ी की? ऑन पेपर था 2,000 रुपये। मैं CNG चेकआउट करा देता हूँ कि भाई गाड़ी के अंदर CNG लगी हुई, दिखने में पता नहीं लग रहा कि CNG लगी हुई है। भाई ये ऑटोमेटिक की किट लगी हुई इसके अंदर, ये हमारे CNG के इंजेक्टर हैं। बाकी आपको ये नहीं दिखेगा भाई रिफिल कहाँ से हम CNG भरवा सकते, वो पीछे दिया हुआ ऑप्शन। भाई एडवांसर लगवाए हुए आपने इसके अंदर? विदाउट एडवांसर चल रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 4 सिलेंडर है ना। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई किट काफ़ी ऐसी जगह आप लगाई हुई जो आपको दिखेगी भी नहीं, पीछे की तरफ किट लगी हुई है यहाँ पे। और बाकी अभी चेक कर लेते भाई टॉप स्पीड, इससे ही पता लगता है कि CNG फिटेड है। हाँ, इससे ही बाकी कोई पता नहीं लगेगा। बस ये है भाई, कंपनी फिटेड होती तो ये थोड़ा अलग से इंजेक्टर रहते हैं कंपनी के बनाए हुए, तब भी उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, बाकी एक बार पूछ लेते भाई, AC के अंदर जैसे आप चला रहे हो लोकल रोड में, अगर हाईवे पे तो फर्क नहीं पड़ता? अच्छा, और लोकल में थोड़ा सा फर्क लगे, थोड़ा सा डिफरेंस लगे। और बाकी एवरेज वगैरह की बात करें तो बाकी ऑन हाईवे 22 दे देती है, 22 प्लस क्या लोकल में 20 तो उसकी फिक्स है। मतलब अगर एक बार हमने सिलेंडर फुल करा लिया तो मतलब पेट्रोल की बचत हो जाती है पूरी अच्छी तरह से, लॉन्ग रन पे जा रहे हो। तो बाकी एक बार मैं अंदर से इसका दिखा देता हूँ, स्विच वगैरह कहाँ पे इंस्टॉल किया गया। 200 किलोमीटर चला दी थी आपने? भाई बाकी इसका स्विच वगैरह एक बार चाबी देना राहुल। बाकी यहाँ पे इसका स्विच लगाए हुए बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। काफी लोग यहाँ पे लगवा लेते हैं, पर ये वाला जो आइडिया है काफी बेस्ट है, पता भी नहीं लगेगा। अब ये देख सकते हो आप गाड़ी अभी गैस पे आने वाली है, अभी फिलहाल पेट्रोल में दो टिक्की दिखा रही है, शो कर रही है मीटर के अंदर। बाकी आपको ये देख सकते हो भाई, कोई चेक लाइट वगैरह, बस ये एक जो इंजन चेक लाइट है ये कभी काफ़ी बार आ जाती है CNG लगाने के बाद। बाकी इस वैसे ये चेक लाइट आ रही है, इसका कोई इशू तो नहीं होता है? ये तो वायरिंग वगैरह कट होती है तो शायद उस वजह से काफ़ी आ जाती है। हाँ, सर्विस पे आ रही है तो इस पर। बाकी एक बार मैं एक बार बूट स्पेस में दिखा दूँ कुछ इस तरीके से, भाई ने CNG लगाई हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो भाई। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस इसमें एक बूट ट्रैवलर्स का जो बैग होता है ना, वो भी आ जाता है आराम से। और इसके अलावा हम पार्सल ट्रे हटा के भी इजीली आराम से 2-3 बैग कैरी कर सकते हैं। बाकी अभी दिखा देता हूँ भाई CNG रिफिल कहाँ पे लगाई, जहाँ से हम CNG एक बार ओपन करना भाई इस वाले को। ये जो भाई ये वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो इन्होंने यहाँ पे फिट करा लिया, ये काफ़ी अच्छा है ये वाला ऑप्शन, ताकि आगे से बार बार बोनट टूटनी खोलना पड़े। यहाँ पे हमारी CNG कंप्लेंट प्लेंट लगी हुई है। बाकी भाई से पूछते हैं कि भाई अभी तक कोई ऐसा इशू आया कि भाई CNG में कोई दिक्कत कर रही हो गाड़ी? अभी तक तो कोई आया नहीं भाई, कैसा भी। अच्छा, और जैसे आप CNG वाले के पास गए हो, CNG कोई अलग से सर्विस कराई हुई हो? ना, कुछ भी नहीं, अभी तक एक रुपए भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगवाया है। अच्छा, एक साल होने का। वैसे जैसे CNG वाले ने कही हो भाई बाद में कोई सर्विस होगी? नहीं, उसने कहा था कि भाई 10 साल के ऊपर सिलेंडर का चेकअप होता है। अच्छा, वो हर किट का ही होता है, वो तो कोई इशू नहीं है भाई? जैसे कोई भाई CNG किट में लगवाने के बाद कोई अलग से सर्विस करानी पड़ रही हो CNG की? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी अंदर का पेट्रोल सर्विस होती है। बाकी भाई CNG लगने के बाद ना
भाई ने पीछे इसमें ये वाले जो बूस थे ये भी चेंज करा दिए थे, पीछे जो डंपिंग बूस होते हैं ये वाले, इससे काफ़ी हाइट बढ़ गई थी। ये जो क्लियरेंस था ये काफ़ी हाइट तक ज़्यादा हो गया था। बाकी शो भाई, अगर अगर कोई लोग बाग लगवाने चाहे वेन्यू के अंदर, तो मतलब आप रिकमेंड करना चाहोगे कि लगवा सकते हैं, सही है या नहीं है? इकोनॉमिक होगा, इसमें कोई इशू नहीं है ना ज़्यादा कोई। ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा वेन्यू बिकी इसलिए रही है कि इसके अंदर सीएनजी कंफर्ट है, सीएनजी लगवाने के बाद बूट स्पेस बच रहा है और आराम से, ना ही कोई रनिंग में कोई दिक्कत है और फुल पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल जी मतलब। चलो भाई थैंक यू, वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मैं बाकी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा सीएनजी के लिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।